नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी किंग पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल और साथ ही जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी पार्ट होगा उसको भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है वो बेस्ड है आपका नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक वरीज के ऊपर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको हम पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि हम जिन दो देशों के बीच में हम बात करने वाले हैं वो है वर्ल्ड पावर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया। इन दोनों के बीच की जो तनातनी है वो नई नहीं है दोस्तों। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत लंबे समय से द हिंदू एडिटोरियल को फॉलो कर रहा है तो आप पाएंगे कि इन दोनों के ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स आते रहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एडिटोरियल ने क्या कहा, हेडिंग थी इसकी द न्यूक्लियर चैलेंज, नॉर्थ कोरियास इकोनॉमिक वरीज एंड द यूएस न्यूक्लियराइजेशन कंसर्न नीड एड्रेसिंग। यहां पर एडिटर ने कहा है कि जो नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक टेंशन है, उनकी जो परेशानियां हैं, और साथ में अमेरिका की न्यूक्लियराइजेशन कंसर्न्स हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, जो नॉर्थ कोरिया जो है दोस्तों वो अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है और वो एक के बाद एक बहुत ही घातक ऐसे हथियार बना रहा है, ऐसे बम बना रहा है जो न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम तक इन्होंने बना लिया है। तो अमेरिका चाहता है कि ये कम हो। वहीं पर नॉर्थ कोरिया की तरफ से प्रॉब्लम ये है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। तो किस तरीके से एडिटोरियल इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करता है यहां पर, वो हम देखते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला प्रेसिडेंट जो बिडेन। देखिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ये आ जाते हैं तो हम नॉर्मली आर्टिकल दा का उपयोग करते हैं, लेकिन नेम ऑफ पोस्ट के साथ जब भी नेम ऑफ पोस्ट होल्डर आ जाए, प्रेसिडेंट नेम ऑफ पोस्ट है, जो बिडन जो है नेम ऑफ पोस्ट होल्डर है, तो जब भी ऐसा होगा तो आपको आर्टिकल दा लगाने की जरूरत नहीं होती, दा आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो आप यहां पर देख सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस लगा है, ठीक है। तो ये कॉल किसकी, जो बिडेन की, प्रेसिडेंट जो बिडेन, जो प्रेसिडेंट कहाँ के हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो देखिए पढ़ते हैं इसको, प्रेसिडेंट जो बिडेन कॉल फॉर स्टर्न डिटरेंस, ठीक है। तो देखिए डिटरेंस की मीनिंग मैंने यहां पर दी है, इसका मतलब है रोकथाम, ठीक है। सेम मीनिंग के वर्ड्स आप देख सकते हैं, सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर हम ले सकते हैं प्रिवेंशन, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स भी मैंने यहां पर किए हैं कवर, तो आप देख सकते हैं प्रमोशन, इंसाइटमेंट, ये दोनों अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। तो जो बिडन ने क्या कहा है, जो नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है और साथ ही उसका जो एंग्री रिएक्शन है, ठीक है, ये वहां की राजधानी है, इसलिए जैसे कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसे इंडिया है तो कई बार दिल्ली लिखा है तो इसका मतलब इंडिया हो जाता है, तो राजधानी को भी देश को रिप्रेजेंट करने के लिए कई बार इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और यहां पर देखिए एक्यूजिंग द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीइंग होस्टाइल, ठीक है। होस्टाइल की जो मीनिंग है मैंने यहां पर दी है दोस्तों। देखिए होस्टाइल का मतलब होता है, ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ, इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, ठीक है। सेम मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर आप यहां पर देख सकते हैं मैलिशियस, मैलिशियस, बेलिकोस, ठीक है, फ्रेंडली और एमिकेबल जो है अपोजिट मीनिंग के वर्ड्स के तौर पर लिए जा सकते हैं। तो अगर हम यहां तक बात करें तो यहां पर एडिटर ने कहा है कि अमेरिका का जो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टंस मतलब होता है स्ट्रिक्ट, जो रोकथाम करने के लिए वो बिल्कुल अड़े हुए हैं कि हमें किसी भी तरीके से नॉर्थ कोरिया को रोकना है, और वहीं पर नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है साथ ही उसका जो एंग्री रिएक्शन है, ठीक है, एक्यूजिंग, एक्यूजिंग किसको, बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीइंग होस्टाइल। तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से जो एक तरीके से इल्जाम लगाए जा रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि वो हमारे को लेकर बहुत ही ज्यादा शत्रुतापूर्ण नीति खेल रहे हैं, उनकी जो पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा होस्टाइल है, वहीं पर प्रेसिडेंट बिडेन का जो आरोप है कि इनके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और इनका जो रिएक्शन बहुत ही एंग्री। तो उस तरीके से दोनों के बीच की ये जो बातें हैं इनको लेकर जो एडिटर कह रहे हैं कि सजेस्ट दैट बोथ कंट्रीज आर हेडेड टूवर्ड्स ए डिप्लोमेटिक शोडाउन।
तो सो डाउन की मीनिंग भी मैंने यहाँ पर लिखी है। देखिए दोस्तों, सो डाउन का मतलब हो जाएगा मुठभेड़, ठीक है, क्लैश, कन्फ्रंटेशन, और अपोजिट मीनिंग के तौर पर आप पीस और हार्मनी को ले सकते हैं, ठीक है। तो एडिटर ने ये कहा है कि जो दोनों की चीजों को, दोनों देशों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच में जो है, दे आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डिप्लोमेटिक शोडाउन, यानी कि एक मुठभेड़ की तरफ ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़िए दोस्तों। इन हिज फर्स्ट कॉन्ग्रेशियल एड्रेस लास्ट वीक, क्योंकि हमने बात यहाँ पे जो बिडेन से स्टार्ट की थी, तो उसी के ऊपर बात हो रही है। तो यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है अमेरिका के राष्ट्रपति। देखिए, जब भी यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है मिस्टर बिडेन। देखिए दोस्तों, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही कॉमन है इंग्लिश में, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब इस तरह का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर फॉलो किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पे फिर कोमा लगाया, तो ये क्या है कि ये उसी के साथ, इसके बाद जो लिखा जाएगा वही इसका सब्जेक्ट होता है, यानी कि एडजेक्टिवियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिवियल जो स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, उसके बाद कोमा आ जाएगा, और उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा वो उसको क्वालिफाई करने का काम करेगा, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ऐड करके जानकारी देने का काम करेगा, ठीक है। तो हमें यहां से पता चल गया कि इन हिज फर्स्ट कॉन्ग्रेशियल एड्रेस लास्ट वीक, ये किसके लिए बोला गया, मिस्टर बिडेन के लिए बोला गया। सेट द न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ ईरान, यहाँ पे ईरान का भी जिक्र आया है, एंड नॉर्थ कोरिया पोस्ट अ सीरियस थ्रेट टू अमेरिका सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड सिक्योरिटी। यहां पर उन्होंने खुद की सिक्योरिटी के लेके खतरा तो बताया ही, इनको सीरियस थ्रेट बताया, साथ ही पूरी दुनिया भर के लिए भी इनको बहुत बड़ा खतरा बताया, ताकि ये कुछ और देशों का भी सपोर्ट हासिल कर सके, समझिएगा इसमें। एंड प्रोमिस टू रेस्पोंड थ्रू डिप्लोमेट, अब यहां से हम समझ सकते हैं कि डिप्लो ये वाला वर्ड अभी यहां पर, तो यहां तक रखते हैं हम लोग अभी तक अपना डिस्कशन को, ठीक है, वर्ल्ड सिक्योरिटी तक, ठीक है। तो यहां पर बिडेन का आरोप यही है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईरान और नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है वो बहुत ही सीरियस थ्रेट है अमेरिका के लिए और बाकी देशों के लिए जो दुनिया के हैं, ठीक है। और यहां पर उन्होंने प्रोमिस किया है कि वो रेस्पॉन्स करेंगे थ्रू, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आगे क्या है, थ्रू डिप्लोमेसी, ठीक है, एंड स्टर्न डिटरेंस। तो ये वर्ड दोबारा से यूज हुआ दोस्तों, ठीक है। तो वो बिल्कुल उनको वहीं पर रोकने का प्रयास करेंगे और डिप्लोमेटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखिए, हिज एडमिनिस्ट्रेशन हैज आल्सो कंप्लीटेड अ रिव्यू, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक रिव्यू कंप्लीट किया है, ठीक है, ऑफ यूएस नॉर्थ कोरिया पॉलिसी। तो यूएस और नॉर्थ कोरिया की जो पॉलिसी है उसको रिव्यू करने का काम उन्होंने कंप्लीट किया उसके एडमिनिस्ट्रेशन ने, ठीक है। अब आगे देखिए, मिस्टर बिडेन इज लाइकली टू स्टीयर बिटवीन बराक ओबामास स्ट्रेटेजिक पेशेंस एंड डोनाल्ड ट्रंप्स टॉप लेवल समिट्री। अब दोस्तों, बात यह है कि बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक अलग पॉलिसी अपनाई, वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक अलग पॉलिसी अपनाई, तो जो बिडेन है वो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। बराक ओबामा जहां पर, यहां पर साफ बोला गया है कि स्ट्रेटेजिक पेशेंस उन्होंने अपनाया था, इसके बारे में और ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो सकता है एडिटोरियल के अंदर हमें देखने को मिल जाए दोस्तों, ठीक है। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या बोला, उनके लिए बोला कि टॉप लेवल सिमेट्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए, शिखर सम्मेलन, द होल्डिंग ऑफ ए समिट, यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बहुत सारी सम्मेलन के अंदर जाकर उनसे मिले या उनसे मिलना जुलना का काम ज्यादा किया, जबकि बराक ओबामा ज्यादा मिले नहीं नॉर्थ कोरिया के हेड से। वो उन्होंने क्या किया, पेशेंस रखा, वो बिल्कुल शांत रहे और ऑब्जर्वेटिव टाइप ऑफ कह सकते हैं कि पॉलिसी उनकी रही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, इन डीलिंग विथ नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर चैलेंज, ठीक है, तो ये जो नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर चैलेंज है उनसे डीलिंग के लिए जो मिस्टर बिडेन है वो दोनों के बीच का समावेश करके चल रहे हैं। आगे देखें, नॉर्थ कोरिया हैज रिमेंड एन अनरिजोल्व्ड फॉरेन पॉलिसी। तो यहां पर एडिटर कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है अभी तक अनरिजोल्व्ड, यानी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, ऐसी फॉरेन पॉलिसी पजल,
ठीक है। यहां पर नाउन जो है दोस्तों वो पजल है, बाकी पूरा का पूरा एडजेक्टिवल पार्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। फोर, ऑल पोस्ट वार अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, तो यहां पे सभी प्रेसिडेंट्स वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी तक अनरिजोल्ड फॉरेन पॉलिसी पजल बना हुआ है क्या नॉर्थ कोरिया, ठीक है। आगे देखिए, इन रिसेंट टाइम्स, ठीक है, यूएस प्रेसिडेंट्स हैव शोन ए विलिंगनेस, अभी हाल फिलहाल के समय में क्या है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं दे हैव शोन अ विलिंगनेस, उन्होंने बहुत ज्यादा जिज्ञासा जाहिर की है, देख उनके एक्शन से प्रतीत होता है, टू डिप्लोमेटिकली इंगेज, ठीक है, विथ योंगयांग। तो अभी जो हाल फिलहाल के जो पिछले 2-3 टर्म में जो प्रेसिडेंट्स बने हैं उनकी पॉलिसीज को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि वो डिप्लोमेटिकली इंगेज होना चाहते हैं नॉर्थ कोरिया के साथ, ठीक है। तो आगे देखते हैं, द क्लिंटन एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहां पर अमेरिका के बहुत सारे पिछले प्रेसिडेंट्स वगैरह की क्या पॉलिसी रही नॉर्थ कोरिया को लेकर, वो हमें जानने को मिलेगी। तो ये किसी भी डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन हैड साइंड ए फ्रेमवर्क, ठीक है, क्लिंटन जो है वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं, तो उन्होंने क्या साइन किया था, एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया था नॉर्थ कोरिया के साथ टू होल्ड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो उसमें क्या बात हुई थी, उसमें ये बात हुई थी कि वो नॉर्थ कोरिया जो है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक देगा, वहीं पर उसको फुल स्टॉप लगा देगा। मिस्टर ओबामा, अब एक एक करके प्रेसिडेंट्स वगैरह के बारे में डिस्कशन हो रहा हैड इनिशिएटेड टॉक्स विथ नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के साथ उन्होंने बातचीत शुरू की कब, 2012 में, ठीक है। अब इन बातचीत का क्या रिजल्ट रहा उसको बताया गया है, विच कोलैप्स्ड, जो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई, ठीक है, यानी कि वो सक्सेसफुल नहीं हुई, आफ्टर योंगयांग लॉन्च्ड ए सैटेलाइट। तो क्या हुआ, बातचीत हो रही थी उसी टाइम पर नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, सैटेलाइट लॉन्च कर दी। तो जब सामने वाली पार्टी से पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आता है तो फिर अमेरिका को भी लगा कि इन बातों को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, तो वो वहीं पर रुक गई। तो यहां पर देखिए क्या बोला, ही देन, ही किसके लिए आया यहां पे, बराक ओबामा, ही देन एडोप्टेड अ वेट एंड वॉच अप्रोच, यानी कि उन्होंने वहीं पर अपने स्टेप्स को रोका और वो बहुत ऑब्जर्वेटिव हो गए जैसा मैंने कहा, विच केम टू बी कॉल्ड स्ट्रेटेजिक पेशेंस, जैसे कि ये टर्म पहले भी यूज हुई थी, ठीक है, तो इसको बोला गया स्ट्रेटेजिक पेशेंस, पेशेंस। मिस्टर ट्रंप, अब मिस्टर ट्रंप की बात थी, एल्टर्ड हिज, यानी कि चेंज कर दिया उन्होंने प्रेडिसर्स नॉर्थ कोरियन पॉलिसी, तो नॉर्थ कोरिया की जो पॉलिसी इससे पहले वाले प्रेसिडेंट्स फॉलो करते आए थे उसको डोनाल्ड ट्रंप ने चेंज कर दिया, कैसे, बाय रीचिंग आउट टू द रिजीम, यानी कि वो नॉर्थ कोरिया के जो हेड हैं उन तक पहुंचे और मीटिंग की, किसके साथ, किम जोंग उन, जो हेड हैं नॉर्थ कोरिया के, ठीक है, कितनी बार, थ्राइस, यानी 3 बार मिले वो, इससे पहले इतना एफर्ट किसी भी कह सकते हैं मिलने को लेकर किसी भी प्रेसिडेंट ने नहीं किया था, बट विदाउट अ ब्रेक थ्रू, तो ब्रेक थ्रू ज्यादा हार्ड वर्ड नहीं है, आप देख सकते हैं, महत्वपूर्ण खोज, यानी कि ज्यादा सक्सेस नहीं मिली कह सकते हैं, ठीक है ना, जैसे इसको कई बार आपने क्रिकेट वगैरह में देखा होगा यूज करते हुए, व्हाट अ ग्रेट ब्रेक थ्रू, तो मतलब सक्सेस की तरह ले सकते हैं, डिस्कवरी, फाइंडिंग्स, अपोजिट हो जाएंगे सेटबैक एंड डिक्लाइन, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक हम देख पा रहे हैं कि जो डिस्कशन का आधार है वो ये है कि पिछले जो प्रेसिडेंट्स आए हैं अमेरिका के उन्होंने नॉर्थ कोरिया को लेकर क्या क्या पॉलिसियां अपनाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बोला है दोस्तों, इन थ्योरी, ठीक है, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड नॉर्थ कोरिया हैड एग्रीड टू अ कंप्लीट डी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ द कोरियन पेनेंसुला, ठीक है। तो कोरियन पेनेंसुला की कहानी ये है दोस्तों कि जो कोरियन पेनेंसुला है उसका ऊपर वाला पार्ट है नॉर्थ कोरिया, ठीक है, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोला जाता है साउथ कोरिया, तो इन दोनों के बीच में हमेशा जो है लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियर पावर नॉर्थ कोरिया बन रहा है या अपने न्यूक्लियर पावर्स को बढ़ा रहा है वो ज्यादातर इसी वजह से, क्योंकि उसको साउथ कोरिया से, अमेरिका से, इनसे बड़ा खतरा नजर आता है। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि इन थ्योरी अगर देखा जाए
तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक कंप्लीट एग्रीमेंट हुआ जिसमें कहा गया कि हम जो है न्यूक्लियर हथियारों को खत्म कर देंगे, पूरे के पूरे कोरियन पेनिनसुला में, यानी साउथ कोरिया भी ऐसा करेगा, ठीक है, बट फेल टू एग्री ऑन इट्स फॉर्मूला। लेकिन ये इसको करने में असफल रहे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में असफल रहे, ठीक है। फिर बात आती है 2019 की, 2019 ट्रंप किम समिट। जैसा कि हमने कहा कि ट्रंप ने बहुत सारी मीटिंग की, 3 बार का तो हमने बताया ही आपको, हनोई, द यूएस प्रपोज रिमूवल ऑफ सैंक्शंस। तो अमेरिका ने उनको एक ऑफर किया और वो ऑफर क्या था, सैंक्शंस को हटाना, यानी कि इसका मतलब होता है दोस्तों प्रतिबंध। क्या होता है कि जब कोई देश अमेरिका के लिए खतरा पैदा करता है या फिर गलत पॉलिसीज चलाता है, तो वो क्या करते हैं कि उसे पूरी दुनिया से अलग थलग कर देते हैं, उनकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, ठीक है। तो यही चीज बताएगी, पनिशमेंट और कास्टिगेशन, ठीक है, अपोजिट मीनिंग हो जाएगा पार्डन एंड एब्सोल्यूशन, ठीक है। तो अब देखिए, फॉर डीन्यूक्लियराइजेशन, अगर वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को त्यागते हैं, उनको कम करते हैं, अपनी शक्ति, न्यूक्लियर शक्ति को घटाते हैं, तो फिर वो सैंक्शंस को घटा देंगे ऐसा, या फिर हटा ही देंगे ऐसा अमेरिका ने कहा। बट देखिए आगे क्या हो रहा है, बट नॉर्थ कोरिया रिजेक्टेड इट। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। योंग यंग हैड टेकन ए फेस्ड अप्रोच, ये नॉर्थ कोरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं बार बार बोल चुका हूं आपको, हैड टेकन ए फेस्ड अप्रोच एंड सोट सैंक्शंस रिमूवल इन रिटर्न, ठीक है। एवर सिंस, तब से क्या है, देयर हैज बीन नो इम्प्रूवमेंट इन टाइज, तब से लेके अब तक कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया है। आफ्टर बिडेन एज्यूम्ड ऑफिस, जब से बिडेन ने ऑफिस एज्यूम किया है, नॉर्थ कोरिया हैड कंडक्टेड, नॉर्थ कोरिया ने कंडक्ट किया है, मैं इसके बारे में आगे बताता हूं, शॉर्ट रेंज मिसाइल टेस्ट। तो दोस्तों शॉर्ट रेंज मिसाइल टेस्ट जो है नॉर्थ कोरिया ने किया है बिडेन के प्रेसिडेंट बनने के बाद भी, विच द यूएस सा एस प्रोवोकेशन, जिसको अमेरिका कैसे देखता है, उकसाव के तौर पर देखता है, एग्रेवेशन, एजिटेशन, ये सेम मीनिंग के वर्ड, इजमेंट और मॉलिफिकेशन अपोजिट मीनिंग के वर्ड, यानी भड़काऊ, यानी कहते हैं ना जैसे भड़काने के लिए किए गए चीजें, इस तरीके से अमेरिका इन चीजों को देख रहा है। मिस्टर बिडन डस नॉट हैव मैनी गुड ऑप्शंस इन डीलिंग विद नॉर्थ कोरिया। तो एडिटर का यहाँ पे कहना है कि नॉर्थ कोरिया को लेकर जिस किस तरीके से उसको डील करना चाहिए, इसको लेकर बिडन के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। द यूएस की गोल इन नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, अमेरिका का जो की गोल है, महत्वपूर्ण जो उनका जो टारगेट है नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में, वो ये है कि डी न्यूक्लियराइजेशन किया जाए, किसका, कोरियन पेनिनसुला का, जिसमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों इंक्लूडेड है। एंड द ओनली प्रैक्टिकल वे टू अचीव दिस थ्रू डिप्लोमेसी एज अ मिलिट्रिकल स्ट्राइक ऑन नॉर्थ कोरिया, ए न्यूक्लियर पावर, ये न्यूक्लियर पावर किसके लिए बोला गया, नॉर्थ कोरिया के लिए, इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि ये कोई भी विकल्प नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं एडिटर, यानी कि आप नॉर्थ कोरिया के ऊपर हमला करने के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है। दो द ट्रंप किम, ट्रंप किम यानी ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, किम जो नॉर्थ कोरिया के हेड हैं, समिट्स डिड नॉट लीड टू एनी ब्रेक थ्रू, हालांकि उनसे कोई ज्यादा सक्सेस हासिल नहीं हुई, दे हैव स्टिल क्रिएटेड अ डिप्लोमेटिक मोमेंटम। लेकिन एडिटर का कहना है इससे एक डिप्लोमेटिक मोमेंटम जरूर आया है, ठीक है, फॉर इंगेजमेंट, ठीक है। आगे देखिए, डिस्पाइट इट्स थ्रेट टू एक्सपेंड इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने की जो धमकियां हैं उसके बावजूद नॉर्थ कोरिया, याद रखिएगा दोस्तों ये कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, एक बात का ध्यान रखना कि एक तो होता है डिस्पाइट, ठीक है, और एक होता है दोस्तों इंस्पाइट ऑफ, जो एसएससी या बैंकिंग के बच्चे हैं वो ध्यान दें। तो क्या होता है कि कई बार ना डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो डिस्पाइट है उसका मतलब ही होता है इंस्पाइट ऑफ, तो इसके अंदर ही ऑफ की मीनिंग होती है, ठीक है। स्टिक्स टू द सेल्फ इम्पोज्ड मॉरिटोरियम ऑन न्यूक्लियर एंड लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि उन्होंने बेशक ये धमकी दी हो कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, लेकिन नॉर्थ कोरिया जहां पर अटका हुआ दिखाई दे रहा है वो है सेल्फ इम्पोज्ड, यानी खुद ही जो है, अब अगर देखा जाए, यानी अगर हम पास्ट से अब तक देखें, तो जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज है नॉर्थ कोरिया की, वो कहीं ना कहीं पे घटी है पिछले कुछ समय में, ठीक है, या फिर रुक गई है।
तो ये जो है किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं, खुद ही अपने आप में ही उन्होंने क्या है ऐसा लगता है कि मोरेटोरियम ले लिया हो। ठीक है, तो इसकी सेम मीनिंग के वर्ड हो जाएंगे हॉल्ट, स्टैंड स्टिल, अपोजिट हो जाएगा एक्टिविटी और एक्शन। ठीक है, तो चलिए आगे। द नॉर्थ एस एक्नोलेज्ड बाय मिस्टर किम रिसेंटली इज गोइंग थ्रू अ टफ इकोनॉमिक क्राइसिस एंड इज ओपन टू टॉक्स। तो किम का ये कहना है कि जो नॉर्थ कोरिया है वो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस यानी कि इकोनॉमिक संकट से जूझ रहा है और वो बातचीत के लिए तैयार है। मिस्टर बिडन शुड सीज दिस अपॉर्चुनिटी एंड ट्राई टू रीच कॉमन ग्राउंड। तो एडिटर की ये सजेशन है, शुड क्योंकि सजेशन के लिए इस्तेमाल ज्यादातर होता है, तो उनका कहना है कि इस अपॉर्चुनिटी को क्रैप कर लेना चाहिए, उनको इसको भुना लेना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को, और एक कॉमन ग्राउंड, ठीक है, कॉमन ग्राउंड भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, एक ऐसा बिलीफ या ऐसी सोच, ऐसी इंटरेस्ट जहां पर टू और मोर पीपल या ग्रुप जो है शेयर करते हो, यानी कि एक ही सोच या फिर जहां पर दोनों का फायदा हो सके। विथ मिस्टर किम दैट एड्रेसेस बोथ नॉर्थ कोरिया इकोनॉमिक वरिस एंड द यूएस न्यूक्लियर कंसर्न, तो जिसमें दोनों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल निकल सके। दैट शुड बी द फोकस ऑफ द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन न्यू नॉर्थ कोरियन स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों ये था आपका एडिटोरियल, जहां पर हमने देखा कि पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो आपका अमेरिका, जिसे द यूएसए भी कहा जाता है, और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन के ऊपर आधारित था। इससे पहले जो प्रेसिडेंट्स आए उन्होंने क्या अप्रोच रखा, अब जो प्रेसिडेंट है वो क्या अप्रोच रख रहा है, क्या अप्स एंड डाउन्स थोड़े बहुत आए हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे डिस्कशन किया गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा है उसका यहां पर आपको बताना है कि उसका क्या बेनिफिट आपको हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी 2015 में पूछा गया, ध्यान रखिएगा इस बात का कि यहां पर जो है अपोजिट वर्ड बताना है आपको। ठीक है, अपोजिट वर्ड किसका, हॉस्टाइल का। ठीक है, तो ये वर्ड आज के एडिटोरियल में कवर हुआ है, आपको बस अच्छे से याद रखना है और आपको ये बताना है कि इन चार में से कौन सा ऐसा वर्ड है जो होस्टाइल के अपोजिट मीनिंग का है। ठीक है दोस्तों, और ये जो आंसर होगा ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, और जिनकी कमेंट्स मुझे सबसे सही लगेंगी या लकी जो स्टूडेंट होगा उसका मैं स्क्रीनशॉट नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों द हिंदू एडिटोरियल अब आपको रेगुलर प्रोवाइड होगा, मैं कोशिश करूंगा आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूं ताकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आए। आज हमने ग्रामेटिकल सेक्शन के ऊपर थोड़ा सा कम फोकस किया है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको और बढ़ाऊंगा और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर भी फोकस करेंगे, लेकिन आज मेरा जो मकसद था वो ये था कि हम थोड़े फेमिलियर हो जाएं कि हम किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं, और जो ओवरऑल जो स्टोरी का जो थीम थी वो आपको समझा सकूं कि आखिर क्या बताना चाहा है, क्या चीजें हैं, ताकि आप किसी भी डिस्कशन में बैठें तो आप बेहतर तरीके से इन चीजों के बारे में बोल सकें। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, और वीडियो को शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। शुक्रिया।